वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं हम लोग कंटिन्यू हैं बच्चों चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन पे और आज हम लोग चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन का लेक्चर नंबर एलेवन स्टडी करेंगे और हमारा टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बचो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक बिल्कुल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है और हम लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ एम सी क्यूज शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारी रूटीन में हमारे किसी भी लेक्चर का हिस्सा होते ही हैं तो इस लेक्चर को बच्चों हम लोग मिनिमम टाइम में ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स में इसको कम्प्लीट करेंगे आप लोग बच्चों इस पूरे लेक्चर को एक ही सीटिंग में देखें अपने पास हेल्पिंग बुक नोट्स या टेक्स्ट बुक जो है वो ज़रूर रखें और इसके की पॉइंट्स जो है लेक्चर के ज़रूर नोट करें और एड बचो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन सबसे पहले बच्चों हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और उसके बाद फिर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हम लेंगे सैंपल और उस पर फिर थोड़ी सी डिस्कशन को कंटिन्यू करके इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और बच्चों तो सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग बनाते हैं डेफिनेशन और डेफिनेशन हम लिखेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो सकता है या जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है ठीक है तो डेफिनेशन जो है थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन की पॉसिबल डेफिनेशन जो क्या हो सकती है दैट इज़ आप लोग इसको नोट कीजिए अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ प्रोसेस a nuclear reaction a nuclear reaction is a a nuclear reaction uh, a nuclear reaction is a process in which either one is a process in which is a process in which either one right either one ऑटो न्यूक्लियाई आन ऑटो न्यूक्लियाई को लाइड टू प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लिया वन और टू न्यूक्लिया टू प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लिया राइट सॉरी दोबारा लिखते हैं टू प्रोड्यूस आइदर वन आदर वन और मॉट न्यूक्लियर है इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन uh, कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन जो है इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस राइट तो पहली बात यह है कि ये बच्चों इसके अगर मैं की पॉइंट्स को की वर्ड्स को हाईलाइट करूँ तो न्यूक्लियर प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस राइट इन विच आइदर वन ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक न्यूक्लियर जो है एक न्यूक्लियस जो है इसमें हिस्सा लें और ये भी हो सकता है बच्चों के टू न्यूक्लियाई जो हैं इसमें हिस्सा लें तो आइदर वन और टू न्यूक्लियाई कोलाइड्स टू प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लियाई राइट तो न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस या बच्चों एक से ज़्यादा यानी दो न्यूक्लियाई जो हैं वो किसी प्रोसेस के नतीजे में कुछ नया न्यूक्लियाई बनाते हैं सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन राइट right? जहाँ कहीं ऐसा होगा कि एक न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस कोई नया न्यूक्लियस बना रहा होगा या दो न्यूक्लियाई जो हैं वो कोई नया न्यूक्लियस बना रहे हैं किसी प्रोसेस में तो वी से दैट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है फ़ौरन तो तो दे हम नाम दे देंगे कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं और वो एक दूसरे के साथ एक प्रोसेस के ज़रिए कोई नया न्यूक्लियस या नए न्यूक्लियाई जो है वो बना रहे हैं ठीक है तो इसको जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस प्रोसेस को जो न्यूक्लियर रिएक्शन वाला प्रोसेस है इसको जो हम भी, भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको जो आप यूँ भी नोट कर लें कहीं लिख लें कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यूक्लियस टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यूक्लियस टू अनाथर यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्रांसमिट ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एटलीस्ट वन न्यूक्लियाई जो है वन न्यूक्लियस जो है वो किसी नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है ठीक है बच्चों तो न्यूक्लियर रिएक्शन ऑलवेज़ इन्वॉल्वस इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई और सिंपली वन न्यूक्लियस कैन ऑल्सो ड्यू टू सम प्रोसेस दिस कैन ऑल्सो बी चेंज टू सम न्यू न्यूक्लियस तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों इसके बाद आप देखें कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी नेचुरल टाइप्स कह लें आप इसको हम इसको टाइप्स के नाम से डिफाइन कर दें या आप जो सिंपल हम कह दें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ़ टू टाइप्स यहाँ लिख लेते हैं तो साथ साथ नोट्स भी बनते जाएंगे आप लोगों के न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन बी ऑफ can be of two types right number one the first type is natural nuclear reactions natural nuclear reactions or number two that is artificial nuclear reactions okay artificial artificial nuclear रिएक्शन्स नैचुर न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन तो अगर बच्चों इसमें मैं बात करूं, पहले नैचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस की तो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं अब हम इसमें पहले बात कर लेते हैं कि जो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये क्या है, हैं ठीक है टाइप्स आपने लिख ली सो नंबर वन इज़ नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस सो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्वस वन न्यूक्लियर्स मोस्ट Most of the cases 99.9%. So most of the natural nuclear reactions involves one nuclei transformation of one nuclei to another. So most of nuclei, yeah, most of most of nuclear most of natural nuclear reactions, natural nuclear reactions uh, involves. इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्वस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस टू न्यू न्यूक्लियस राइट ये बिचो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है इसकी बिचो एग्जाम्पल क्या है तो इसकी अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन की जो एग्जाम्पल है बिचो वो है रेडियो एक्टिविटी जितने भी बच्चों रेडियो एक्टिव प्रोसेस हैं या जितने भी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस हैं वो सब बच्चों नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो रेडियो एक्टिविटी अगर हमने पढ़ा हुआ है आपने टॉपिक तो दैट ऑल टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ एक्चुअली अ नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है तो उसकी बच्चों अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो यूरेनियम जो है अगर हमारे पास बच्चों यूरेनियम है यूरेनियम टू थर्टी एट नाइन्टी टू अगर इसकी बात करें एग्जांपल की तो यूरेनियम टू थर्टी एट नाइन्टी टू जो है बच्चों इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल इमेट हो तो ये थोरियम टू थर्टी फोर नाइन्टी बनती है यानी कि इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो ये बच्चों एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है ठीक है बच्चों तो ये एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जाम्पल है इस तरह बच्चों प्रोटेक्टीनियम की अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो हमारे पास एक एलिमेंट है प्रोटेक्टीनियम उसका जो एटॉम मैस नंबर है टू थर्टी फोर प्रोटेक्टीनियम इज़ टू थर्टी फोर नाइन्टी वन और अगर इसमें से बच्चों बीटा पार्टिकल इमट हो जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये बच्चों टू थर्टी फोर तो टू थर्टी फोर नाइन्टी टू बनेगी प्लस इसमें से बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट होगा विच इज़ विच इज ई जीरो माइनस वन ठीक बीटा पार्टिकल इसमें से इमेंट होता है तो यूरेनियम का थोरियम में चेंज होना प्रोटेक्टीनियम का यूरेनियम में चेंज हो जाना बीटा पार्टिकल के इमेंट होने पर इस तरह बच्चों कोई और एग्जाम्पल जैसे रेडियम है रेडियम में से बचो अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है रेडियम टू ट्वेंटी सिक्स और एटी एट तो अगर बचो रेडियम है टू ट्वेंटी सिक्स एंड एटी एट इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल निकले तो रेडान टू ट्वेंटी टू एटी सिक्स तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लिया निकले तो ये भी जो जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं और ये चीज़ हमने पढ़ी थी रेडियो एक्टिविटी में और ये तमाम प्रोसेस जो हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं तो इन रिएक्शंस को जो हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर नैचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन ये ऑटोमेटिकली होंगे और इसमें आप देखें कि कोई एक न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो डिके होता है और कोई नया न्यूक्लियाई बनता है प्लस हीलियम बल्कि ये दो न्यूक्लियाई बने हैं थोरियम भी बना है और हीलियम भी बना है तो प्रोटेक्टेनियम जो है एक न्यूक्लियाई डिके हुआ यूरेनियम बना बीटा पार्टिकल इमेट हुआ इस केस में एक ही न्यूक्लियाई बना तो रेडियम जो है जो इस केस में ये रेडॉन में चेंज हुआ न्यूक्लियाई हीलियम दो न्यूक्लियाई बने एक न्यूक्लियाई डिके हुआ दो में चले गए चेंज हो गए तो दिस इज नेचुरल दिस इज़ नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है बच्चों तो उसकी एग्जाम्पल जो है वो रेडियो रेडियो एक्टिविटी है ऑल राइट अब जिसको मैं रेस करता हूँ नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन को नोट कर लें आप लोग दूसरी जो है बच्चों हमारे पास टाइप दैट इज आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है सेकेंड टाइप जो है सेकेंड टाइप इज आर्टिफिशियल दैट इज आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस ठीक है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो, जो हैं ये भी हो सकते हैं और ये स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ हो सकते हैं जो बच्चों पहले मैंने लिखे नेचुरल उसमें आप एक ये भी पॉइंट नोट कर लें कि जो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ हैं और जो स्टेबल न्यूक्लियर रिएक्शन है ये बच्चों स्टेबल यानी कि जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है ये स्टेबल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के साथ हो सकते हैं या होंगे राइट तो स्टेबल न्यूक्लियस तो इसकी एग्जांपल्स बच्चों क्या हैं अगर आर्टिफिशियल की मैं बात करूं तो बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन राइट न्यूक्लियर फिशन बच्चों एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है जो करवाया जाता है इस तरह बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये भी एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है जो करवाया जाता है तो ये दोनों जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में हैं ये दोनों हम पढ़ेंगे ठीक है सो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इन दोनों के बारे में ये एग्जांपल्स के तौर पे आपने लिख लेना है नेक्स्ट में जो हम ये कहेंगे कि जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये जो सबसे पहले रदरफर्ड ने दिया था सो रदरफर्ड वाज द फर्स्ट वन इन 1918 एटीन हु प्रपोज कि अगर नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं तो दिस इज़ पॉसिबल दैट वी कैन प्रोड्यूस सम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब हम खुद वो स्टेबल न्यूक्लियाई लेकर उनको आपस में कोलाइड करवाएं तो स्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं उनके आपस में कुलीजन के नतीजे में भी वो न्यूक्लियाई जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे न्यू न्यूक्लियाई में ठीक है तो दैट वाज प्रपोज्ड बाय रदरफर्ड 1918 और फिर रदरफर्ड ने जो उसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया भी था ठीक है जिसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो रदरफर्ड ने बच्चों आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन जो करवाया था वो नाइट्रोजन और हीलियम था मतलब नाइट्रोजन न्यूक्लियाई के ऊपर हीलियम uh, जो न्यूक्लिया हैं उसको बम्बार किया था तो कुलीजन करवाया था एक नाइट्रोजन न्यूक्लियाई और हीम न्यूक्लियाई का तो उसके नतीजे में जो ये जो रिएक्शन बना दैट वाज आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन और इसमें नाइट्रोजन जो है अगर मैं उस रिएक्शन को लिखूँ सो दैट रिएक्शन वॉज नाइट्रोजन फोर्टीन सेवन विच इज़ अ स्टेबल न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की रेशियो आप देखें इसमें बिल्कुल सेम है सेवन प्रोटॉन्स सेवन न्यूट्रॉन्स और इसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल जो है एच ई फोर टू जो है उसको हिट करवाया जाए दोनों न्यूक्लियाई को तो उसके नतीजे में जो हमें मिलती है ऑक्सीजन विच इज़ सेवेंटीन एट आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन प्लस एक प्रोटॉन मिलता है तो ये जो रिएक्शन है बच्चों दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय रदरफर्ड इन 1918 और इस रिएक्शन के सक्सेसफुल मतलब प्रोसेस के बाद के होने के बाद इस रिएक्शन के सो so, इट वॉज़ अवे मतलब इस तरफ भी सोचा जाने लगा या इस तरफ एक रास्ता बना कि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं ये जो बचो आर्टिफिशल न्यूक्लियर रिएक्शनस हैं इनको परफॉर्म करने का जो मकसद था बाद में वो फिर ये था कि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है जैसे यूरनियम है अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होती है तो वेस्ट यूरनियम जो है मतलब उसको उसके हाफ लाइफ को इनक्रीज़ करने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह करवा सकते हैं मसला अगर जो किसी आ, किसी नेचुरल एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है वो बिलियन ईयर्स है तो हम उसको आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के उसको ब्रेक करके ऐसे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनकी हाफ़ लाइफ कम हो तो फिर उसका जो डिके प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है तो ये फिर एक रास्ता था नया जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन से जो है वो डिवेलप हुआ और आज भी ऐसा ही होता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए उनको प्रोसेस को फास्ट किया जाता है नए न्यूक्लियाई बनाए जाते हैं और नए न्यूक्लियाई जो होते हैं उनकी हाफ लाइफ्स कम होती हैं और वो तेज़ी से डिके करके मतलब ख़त्म हो जाते हैं और right? तो ये बचो एक इसलिए करवाया गया था न्यूक्लियर आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की बेचो ये तो रदर ने किया था लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की वो जो एलुमिनियम जो है उसका अगर करवाया जाए अगर एलोमिनियम जो है विच इस ट्वेंटी सेवन एंड थर्टीन ट्वेंटी सेवन एंड थर्टीन अगर एलोमिनियम के ऊपर अगर अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको जो बम्बार किया जाए अल्फ़ा न्यूक्लियाई को अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई को अगर एलुमिनियम न्यूक्लियाई के ऊपर किया जाए बम्बार किया जाए तो वहाँ से फॉस्फोरस मिलेगी विच इज़ थर्टी फिफ्टीन फॉस्फोरस विच इज़ थर्टी फ़िफ्टीन प्लस वहाँ से जो हमें मिलेगा एक न्यूट्रॉन विच इज़ ज़ीरो वन राइट तो न्यूट्रॉन ज़ीरो वन वहाँ से मिलेगा तो ये एक और जो है हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल हम कह सकते हैं और राइट right? तो ये जो आप देखें कि ये एल्यूमिनियम जो है दैट इज स्टेबल ऑलमोस्ट मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट रेशियो सेम है थर्टीन प्रोटॉन्स फोर्टीन न्यूट्रॉन्स और इसके साथ अगर हीलियम न्यूक्लियाई को क्लाइड करवाया जाए तो वी गेट फॉस्फोरस विच इज़ थर्टी फिफ्टीन अब आप देखें फॉस्फोरस इज़ अ वेरी स्टेबल न्यूक्लियाई इस लिहाज से आप स्टेबल इस तरह चेक कर लिया करें कि 15 प्रोटॉन 15 न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेम द रेशो इज सेम सो दिस इज़ अ स्टेबल न्यूक्लिया लो एटॉमिक नंबर प्लस वहाँ से न्यूट्रॉन इमिट होगा तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस की ओर चलिए नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अब जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस के हवाले से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसको मैं रेस करूँ तो बच्चों आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं इनमें हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है दैट होल्ड्स बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन लॉज हैं कंजर्वेशन लॉज आर एप्लीकेबल टू कंजर्वेशन लॉज आर एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस राइट ये जो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं तो कंजर्वेशन लॉज में जो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज तो ये लॉज जो हैं इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं तो इसमें है जो इस पर वैलिड हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं दो कंजर्वेशन लॉज की उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मैस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं तो पहले भी जो हैडिंग हम बना लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस हमारे पास रिएक्शन वही है जो रद्र ने परफॉर्म करवाया था नाइट्रोजन तो पहले बच्चों रिएक्शन हम लिखते हैं कि रिएक्शन इज नाइट्रोजन विच इज़ 14 सेवन प्लस हमने इसके साथ हीलियम फोर टू और उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बनी विच इज़ सेवनटीन एट प्लस उसमें एक प्रोटॉन जो है बना दैट इज़ एच वन वन तो अगर जो इस रिएक्शन में इस आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में हम देखें इसके रिएक्टेंट्स को और हम देखें प्रोडक्ट्स की तरफ तो इसमें जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर कॉन्जर्वेशन ऑफ मैथ्स मीनस के जो इसमें दोनों तरफ यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या ऑफ़ रिएक्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम राइट ये भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो लेट्स से जो पहले हम लिखते हैं कि इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं अगर हम उसको कंपेयर करें दोनों तरफ तो जो लेफ्ट साइड पे आप देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दैट आर सेवन प्लस टू विच इज़ नाइन और इस तरफ जो अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हम राइट साइड पे देखें तो दैट इज़ एट प्लस वन एकवल्स नाइन तो इस तरफ भी प्रोटॉन्स और इस तरफ भी प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम है और राइट चार्जिस का मतलब सेम है न्यूट्रॉन्स uh, के चार्जेस जो हैं वो सेम हैं इस तरह अगर यहाँ पे देखें जो हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को देखें तो किसी भी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखें तो 14 माइनस सेवन इज सेवन सेवन न्यूट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस टू न्यूट्रॉन्स ऑफ हीलियम दैट मेक्स इट नाइन और इस तरह बच्चों अगर हम देखें कि uh, हमारे पास जो राइट साइड है यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसके 17 माइनस एट विच इज़ नाइन न्यूट्रॉन्स और हाइड्रोजन में देखें तो 1 माइनस वन विच इज़ जीरो न्यूट्रॉन्स सो दैट मेक्स एट नाइन तो ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं नाइन है न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो मैथ्स में से 17 माइनस एट दिस इज नाइन आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं नाइट्रोजन के 14 माइनस सेवन विच इज़ सेवन हीलियम के न्यूट्रॉन्स फोर माइनस टू टू ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स सेवनटीन माइनस एट नाइन हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स वन माइनस वन जीरो मीन्स हाइड्रोजन इज ओनली हाइड्रोजन देर इज़ नो न्यूट्रॉन तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट आर सेम तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि कॉन्ज़रवेशन ऑफ मैस जो है यहाँ पर उबे हुआ है कॉन्जर्वेशन ऑफ मैस यहाँ पर हुई है और किसी भी किस्म का ना तो कोई पार्टिकल जो है वो बड़ा है और ना ही किसी किस्म का कोई पार्टिकल कम हुआ है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है एक बात होगी कंजर्वेशन ऑफ मैस चले उसके बाद जो हम बात करते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो हम देखते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कॉन्ज़रवेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी उदय करता है यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी कॉन्जर्वेशन रहती है तो रिएक्शन जो हमारे पास दोबारा लिख लेते हैं रिएक्शन इज़ नाइट्रोजन फोर्टीन सेवन प्लस हीलियम फोर टू एंड द रिएक्शन गोस दैट मेक्स ऑक्सीजन विच इज़ सेवनटीन एट प्लस प्रोटोन एच वन वन तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें बच्चों कॉन्ज़रवेशन ऑफ एनर्जी की तो कॉन्ज़रवेशन ऑफ एनर्जी जो है आ, उसकी डिस्कशन के लिए हम इनकी एनर्जीज़ जो हैं जो वो कैलकुलेट करते हैं देखिए बच्चों कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे यहाँ पर आ, ये एक अजम्पशन होगी यहाँ पर कि हम इसमें रेस्ट मैस ले रहे हैं सब का राइट वी आर कंसीडरिंग रेस्ट मैस ऑफ ईच न्यूक्लियाई ठीक है ये जितने भी न्यूक्लियाई इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं हम उन तमाम न्यूक्लियाई का रेस्ट मैस लेंगे तो ये तमाम न्यूक्लियाई जो हैं, वी एज्यूम दैट आर एट रेस्ट दैट मीन्स कि इनकी जो रेस्ट मैस एनर्जी है अगर उसको हम लेकर इनकी कैलकुलेशन करें तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है तो हम जानते हैं जो जो लिखते हैं हम कि मैस ऑफ नाइट्रोजन फोर्टीन सेवन वी नो दैट नंबर्स दैट इज़ फोर्टीन पॉइंट जीरो जीरो थ्री वन फोरटीन पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री वन यू इस तरफ जो हम कहते हैं कि रेस्ट मैस ऑफ हीलीयम न्यूक्लियाई एच ई फोर टू इज़ फोर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू सिक्स फोर पॉइंट जीरो ज़ीरो टू सिक्स यू अगर हम जो इसको हम ले लें दिस इज़ कम्बाइंड मैस ऑफ रिएक्टेंट्स यानी दोनों का नाइट्रोजन और हीम और अगर जो इसको हम ऐड कर लें तो टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम कहें तो हम लिखते हैं टोटल मैस ऑफ टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स तो इसमें हम जो ये करेंगे कि दोनों मैसेज को ऐड करेंगे विच इज़ फोरटीन पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री वन यू एंड फोर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू सिक्स यू तो इसको जो अगर हम ऐड करें तो वी गेट ऑलमोस्ट एटीन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव सेवन यू राइट सो दिस इज़ टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंस राइट right? अब जो मैं लिखता हूँ मैस ऑफ मैस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई विच इज़ सेवनटीन ऐट ओ सेवनटीन ऐट सो दिस मैस इज एक्चुअली इक्वल्स टू सिक्सटीन पॉइंट नाइन 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 वन सिक्सटीन पॉइंट नाइन 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 वन यू इस तरह जो अगर हम बात करें मैस ऑफ हाइड्रोजन यानी प्रोटोन इसकी तो देट इज़ वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट

8 plus वन नाइन सेवन plus नाइन सिक्सटीन सो वी गेट 18.0069. पॉइंट जीरो जीरो सिक्स नाइन अगर इसको ऐड करें तो वी गेट तो वी गेट बिचो एटीन पॉइंट राइट ये जब इनको ऐड करेंगे अब यहाँ भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों मैसेज हैं दिज टू तो मैसेज आर नॉट इक्वल दिज टू तो मैसेज आर नॉट सेम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उन दोनों के जो मैसेज हैं वो सेम नहीं है अब यहाँ पे नोटिस करें ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है दैट इज़ मैस ऑफ रिएक्टेंट्स और ये वाला जो है दैट इज़ मैस ऑफ प्रोडक्ट्स और आप ये नोटिस करें कि दिस इज़ ज़ीरो सिक्स नाइन दिस इज़ फाइव सेवन तो मैस ऑफ प्रोडक्ट्स अब यहाँ हम कह सकते हैं कि मैथ ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ग्रेटर दैन मैस ऑफ़ रिएक्टेंट्स राइट सो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स का मैस है दैट इज ग्रेटर देन द मैस ऑफ रिएक्टेंट्स उसकी वजह अभी डिस्कस करते हैं तो पहले जो इसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम जो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो दैट इज़ एटीन पॉइंट जीरो जीरो सिक्स नाइन यू माइनस एटीन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव सेवन फाइव सेवन यू और अगर बच्चों इसे हम सब कर दें तो वी गेट जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन टू यू दोनों को माइनस करें नाइन माइनस सेवन टू सिक्स माइनस फाइव तो दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन टू यू सो दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ मैथ बिटवीन रिएक्टेंट्स या डिफरेंस ऑफ मैथ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो इतना बच्चों डिफरेंस आया है ये हमने वो मैथ कैलकुलेट किया है वैन बोथ वी हैव टेकन ऑल द न्यूक् आई एज रेस्ट मैथ ठीक है रेस्ट मैथ बच्चो क्यों लिया है रेस्ट मैथ आपको पता है कि मूविंग मैथ इज डिफरेंट एज कंपेयर टू रेस्ट मैथ आफ्टर आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हम रिलेटिविस्टिक अफेक्ट शामिल करें तो मूविंग मैसेज मूविंग मैसेज आर डिफरेंट फ्राम रेस्ट मैसेज तो हमने चारों के रेस्ट मैथ को कंसिडर किया है और देन हमने देखा है कि देर इज अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू यू बिटवीन दिस वन अब जो इस की जो Uh, मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या इसकी जो uh, हैं कि ये मैथ्स जो है वो कहाँ गया इसको बच्चों अगर हम डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जो मैथ्स है दैट इज़ ग्रेटर तो इस तरफ बच्चों ग्रेटर मैथ्स हो गया और इस तरफ जो है बच्चों ये स्मॉलर मैथ्स हो गया यानी इस तरफ मैथ्स कम हो गया और उसमें डिफरेंस जो है वो आया बच्चों ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन टू यानी ये जो प्रोडक्ट है ये बच्चों इनका जो मैस है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन टू यू तो हम ये बच्चों कहते हैं इसकी जस्टिफिकेशन हम ये इस तरह देंगे कि वी हैव टू परफॉर्म दिस न्यूक्लियर रिएक्शन हमें इस न्यूक्लियर रिएक्शन को चूँकि करवाना है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है और इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो हमें नाइट्रोजन और हीलियम में से हीलियम को हमने मूव कराना है सो वी हैव टू मूव और we have to make move this helium nuclei to hit with nitrogen so we have to give some energy to helium iska matlab hai ki is taraf bachcho hame kuch energy add karna padegi and that added energy will move helium nuclei and that will hit with nitrogen to wo jo energy hum add karenge that energy जो हम एनर्जी इसमें ऐड करेंगे अगर इस एनर्जी को हम मैस में कन्वर्ट करें so that mass if added into this साइड ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू यू तो इस मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो लेट्स से इस मास से जो एनर्जी बनेगी सो दैट एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू टाइम्स नाइन थर्टी वन मिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ये जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो वन यू मैस होता है तो वन यू विच इज़ वन पॉइंट सिक्स सिक्स टाइम्स टेन रेज टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी मैथ जो होता है अगर इसको जो हम कन्वर्ट करें एनर्जी में इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसकी बिचो जो एनर्जी बनेगी इतने मैथ की वन यू मैथ की जो एनर्जी बनेगी दैट विल बी नाइन थर्टी वन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो इस तरह लिख सकते हैं तो अगर एक यू में इतनी एनर्जी है तो वी कैन मल्टीप्लाई ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन टू विद 931 तो इसको जो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आता है 1.13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो 1.13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका मतलब जो कि अगर हम 1.3 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं इस अल्फ़ा पार्टिकल को इस हीलियम न्यूक्लिया को और ये कोलाइड करता है इस नाइट्रोजन न्यूक्लियाई से सो दैट परफॉर्म्स दिस आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन तो इसमें ये जो एनर्जी हम ऐड करेंगे सो वी आर एक्चुअली एडिंग this mass so this mass on reactant side is missing because this mass is being used in the form of energy ठीक है energy की form में हम इस mass को use कर रहे हैं तो product वाली side पे ये जो mass है 0.012 u वो ज़्यादा हुआ इस वजह से कि इस तरफ वो mass की फॉर्म में appear है Uh, मौजूद है और इस तरफ बच्चों ये जो मैथ है ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू यू ये यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म होगी जो हम देंगे तो वी हैव टू एड एनर्जी टू दिस साइड ऑफ रिएक्टेंट्स वो जो एनर्जी है इक्विवेलेंट टू दैट एनर्जी जो मैथ होगा दैट विल बी ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन टू दैट विल बी एडेड टू दिस साइड सो द होल इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड तो यहाँ से ये बात भी बच्चों हमें पता चलती है कि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वी हैव टू एड एनर्जी राइट क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जो मैथ है वो ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्टेंट वाली साइड साइड पे हमें एनर्जी देना पड़ेगी और वो जो एनर्जी हम देंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी मैस कॉन्जर्वेशन या इक्विवेलेंस उसमें जो एनर्जी मैस इक्विवेलेंस में जो एनर्जी हम देंगे इस रिएक्टेंट वाली साइड पे दैट एनर्जी विल नॉट बी वेस्टेड दैट एनर्जी विल कन्वर्ट टू मैस एंड दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मैस ऑन प्रोडक्ट साइड इस तरह वो प्रोडक्ट वाली साइड पे मैस की फॉर्म में वो एनर्जी आ जाती है सो द मैस ऑफ प्रोडक्ट साइड इज़ ग्रेटर दैन द मैस ऑफ साइज बिकॉज ऑफ मैस एनर्जी और अगर बचो तो आमतौर पर यह जो रिएक्शन होता है ये जो रदर फे जो रिएक्शन है इसमें बच्चो ये जो अल्फा होता है ये जो एच ई फोर टू है इसके लिए जो प्लूनियम टू फोर्टीन सोर्स यूज़ किया जाता है ठीक है ये भी आपने याद रखना है कि ये जो अल्फा है एच ई फोर टू इसका जो पोलोनियम पोलोनियम टू फोरटीन आई थिंक प्लोनीय इसमें यूज़ करते हैं पोलोनियम टू फोर्टीन हाँ जी ठीक है पोलोनियम टू फोटीन हम यूज़ करेंगे और पोलोनियम टू फोर्टीन जो है जो या यू कह लें कि जो पोलोनियम है उसमें से जो अल्फ़ा पार्टिकल जो निकलता है उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेवन पॉइंट सेवन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोट्स होती है तो ये अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किया जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करवा के उससे फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होगा ठीक है तो ये जो होता है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल राइट right. बात क्लियर हो गई तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है करवा सकते हैं और उसमें ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों फुलफिल्ड होंगे ठीक है नेक्स्ट बच्चों इसमें एक दो तो छोटी छोटी बातें हैं एक बात बच्चों ये है कि क्या आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस का रिवर्स करवाया जा सकता है द आंसर इज येस रिवर्सिबल मतलब हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर रिवर्सिबल राइट तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें अगर आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं उस केस में बच्चों ये जो प्रोडक्ट है यानी उस केस में हम ये होगा कि सेवनटीन एट ऑक्सीजन और उसके ऊपर अगर एक प्रोटॉन को हीट करवाया जाए so we will get nitrogen which is 147 plus we will get an alpha particle he42 so this is uh, reverse, of, uh, reverse of nuclear reaction so nuclear reaction in reverse, in reverse direction are possible this is possible nuclear reaction co reverse so in that case the products becomes reactants and the reactants become products right is chisco और लास्ट पे जो ये है कि ये जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है इसी का एक रिज़ल्ट जो है वो ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट इज एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन ठीक है आपको पता है बच्चों जो, जो न्यूट्रॉन था 1932 में जो साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक राइट उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था और वो डिस्कवरी जो है एक्चुअली दैट डिस्कवरी इज ऑल्सो द रिज़ल्ट ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन तो इसमें बच्चों जो जो न्यूक्लियर रिएक्शन था जो इन्होंने किया 32 में ये था कि इन्होंने ब्रिलियम जो है ब्रिलियम नाइन फोर इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो है एच ई फोर टू उसको हिट किया तो उसके नतीजे में बच्चों बनी थी कार्बन ट्वेल्व सिक्स प्लस उसमें नाइट्रो एक नाइट न्यूट्रॉन जो है वहाँ से निकला था तो दैट न्यूट्रॉन वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड पार्टिकल सो दिस न्यूट्रॉन वाज अ न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन अब देखें जो ये जो है ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है राइट ब्रिलियम न्यूक्लियाई के साथ अगर हीलियम न्यूक्लियाई को कोलाइड करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बन है ट्वेल्व सिक्स स्टेबल न्यूक्लियाई प्लस न्यूट्रॉन तो ये जो न्यूट्रॉन है दैट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जेम्स जेडवर्ड फॉर आफ्टर डूइंग दिस आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन इस सेंस में हमने आपने इसको याद रखना है ठीक है इसकी जो फर्दर डिटेल है वो तो फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का एक इकलदा से जो टॉपिक है उसमें हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर तो इसके जो यहाँ पर इसके जो रीज़न बताने का मकसद ये है कि जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है ये उसी की वजह से ही न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी दैट वाज पॉसिबल और इसमें जो ये था कि जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से परफॉर्म किया गया अगर उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं दूँ तो दैट वॉज़ के एक ब्रिलियम जो है लेट्स ए दिस इज़ ब्रिलियम शीट या ब्रिलियम एलिमेंट इस तरह से उसको रखा गया या इस तरह से उसको अरेंज किया गया ये ब्रिलियम है विच इज़ नाइन फोर अब जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके लिए जो यूज़ किया गया पोलोनियम सोर्स जैसे मैंने वहाँ पर भी लिखा था पी ओ सो देर वॉज आ देर वॉज आ पोलोनियम सोर्स लेट से दिस इज़ पोलोनियम सोर्स पोलोनियम जो है या उसको यूज़ किया जा सकता है प्लोनियम टू फोरटीन और इस प्लोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इमिट होते हैं तो प्लोनियम जो है टू टेन एटी फोर जो है उसमें से भी प्लोनियम टू टेन एटी फोर में से भी अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स के तौर पे लिया जा सकता है अब यहाँ से बच्चों अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इस प्लोनियम सोर्स से निकलेंगे तो एक तरह से बच्चों आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हुई नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ पहले पुलूनीयम में से अल्फ़ा पार्टिकल का जो निकलना है ये बच्चों हम कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है और इसमें से बच्चों जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले वो ब्रिलियम न्यूक्लियाई के साथ जो है बच्चों वो कोलाइड हुए और उस ब्रिलियम न्यूक्लियाई में से जो है कोलाइड होने के नतीजे में कार्बन बनी और यहाँ से बच्चों निकले न्यूट्रॉन्स ये हैं अल्फ़ा पार्टिकल जो ब्रिलियम से निकले लेकिन जब सॉरी जो पोलोनियम से निकले वो अल्फ़ा पार्टिकल लेकिन जब ये अल्फ़ा पार्टिकल ब्रिलियम में से गुजरेंगे तो वहाँ से बच्चों न्यूट्रॉन्स जो है वो इमेट हुए तो इनिशियली ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू रिकोगोगनाइज़ इन पार्टिकल्स को क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्टेड नहीं थे ये मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्टेड नहीं थे तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकोगोगनाइज़ कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं तो फिर बच्चों इसके लिए ये था कि एक पैराफ़ीन शीट जो है आ, वो ली गई राइट सो पैराफीन जो है आ, हम कह सकते हैं कि ये जो एक हाइड्रोकार्बन पैराफीन शीट है और ये जो इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है रिच विद हाइड्रोजन और इसमें जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं हाइड्रोजन का मतलब यह है कि जो इसमें प्रोटॉन्स हैं तो ये जो न्यूट्रॉन्स थे जो ब्रिलियम में से निकले इस रिएक्शन में कार्बन तो उधर रही और न्यूट्रॉन्स बाहर निकले तो ये जो न्यूट्रॉन्स थे इन न्यूट्रॉन्स ने जो ये जो पैराफिन शीट के अंदर प्रोटॉन्स थे इनके साथ इलास्टिक कुलीजन्स किए तो यहाँ से जो प्रो प्रोटॉन परो, या हाइड्रोजन एक प्रोटॉन पार्टिकल्स निकले तो so, न्यूट्रॉन्स जो हैं अगर ये इन्होंने कुलीजन्स किए इलास्टिक कुलिजन सो न्यूट्रॉन्स परफॉर्म्ड इलास्टिक कुलीजन सो ड्यू टू इलास्टिक कुलिजन हाइड्रोजन बाहर आएगी बिकॉज हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन्स जो हैं दे बोथ हैव सेम मैस जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनके मैसेज सेम हैं तो न्यूट्रॉन जो है चूंकि इलास्टिक कुलिजन किया उसने सो इलास्टिक कुलीजन की वजह से जो प्रोटॉन है बिकॉज ऑफ द सेम मैस वो वहाँ से बाहर आए सो डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन वोल्स ईजी हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, so, है। इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो ये अपने पास को डिफ्लेक्ट करेगा सो इट वॉज एविडेंट कि हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा पार्टिकल कोलाइड किया है जिसका जो मैस है वो हाइड्रोजन जितना ही है लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं है क्योंकि अगर ये चार्ज होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाकर इसको इसकी डिफ्लेक्शन से हमें ज्यादा होता कि ये चार्ज पार्टिकल है अब न्यूट्रॉन जो है दैट इज़ अ पार्टिकल हैविंग द सेम मैस एज दैट ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि इलास्टिक कुरियन के नतीजे में यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो इट मीन्स बोथ हैव सेम मैस और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ दैट मीन्स इट हैज नो चार्ज तो इस तरह से बच्चों ये जो डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की 32 में 1932 में सो दैट डिस्कवरी वाज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म बाय जेम्स चैडविक एंड दैट इज ब्रिलियम हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन जब ब्रिलियम के ऊपर हाइड्रोजन न्यूक्लिया कोलाइड किया तो दैट प्रोड्यूस कार्बन एंड न्यूट्रॉन और ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था तो ऑराइट बचो यहाँ तक हम अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर में ओवरऑल देखें आपने जो न्यूक्लियर रिएक्शन को समझा डेफिनेशन दो दो तरह के होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल में एक न्यूक्लियाई जो है डिके करता है तो नए न्यूक्लियाई बनाता है आर्टिफिशियल में दो न्यूक्लियाई एटलीस्ट लेने पड़ते हैं उनका कोलिजन करवाते हैं और उसके नतीजे में फिर नया प्रोडक्ट जो है वो बनता है एक नया न्यूक्लियाई बनता है तो इससे में इसमें जो हमने कुछ बातें की फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी इस पर अप्लाई होगा न्यूक्लियर रिएक्शन पर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होगा दोनों पर और लास्ट पे न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ही न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी जो कि लास्ट पे मैंने मेंशन किया और एड बच्चों ये सारा टॉपिक जो है इसी अंदाज में अगर आप लोग लिखते हैं इसको प्रिपेयर करते हैं तो देन दिस इज़ योर वेरी गुड लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको इस तरह से डेफिनेशन से लेके यहाँ तक अगर आप इसी अंदाज में इसी तरह से तरतीब से लिखते हैं तो आपका ये बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और right, बच्चों तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में न्यू लेक्चर में लेक्चर नंबर ट्वेल्व में तब तक जो अपना ख्याल रखें अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें टेक केयर ऑल द बेस्ट